नवाज शरीफ की आमद से कोई इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से राह हमवार हुई है कि ठीक है जो जिस तरीके से इस सारी सूरत हाल को लिया जा रहा है? देखिए इलेक्शन के तो हम तो पहले ही मुतालबा कर रहे थे, मेरी जमात का मुतालबा तो 90 रोज में इंतखाब का पहले ही था, और जब 90 रोज में इंतखाब होते नजर नहीं आए और दूसरी तरफ का मौकफ तस्लीम कर लिया गया तो हमने फिर कहा कि जी आप शेड्यूल दे दीजिए, आप डेट दे दीजिए, लेकिन ना डेट दी गई ना शेड्यूल दिया गया, जिससे इबहाम और ज्यादा है। पर अब यहाँ सब वापस तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तकबाल हुआ है, बड़ा जोशो खरोश है, उनको रिलीफ दिया गया है, अच्छी बात है। अब इलेक्शन की डेट आ जानी चाहिए, और अगर इस वक्त सूरत हाल जो है, अगर ये सूरत हाल परसिस्ट करती है और ये तासर गहरा होता है कि एक फरीक को रिलीफ दे के बाकियों को नहीं दिया जा रहा या किसी एक को नहीं दिया जा रहा, और यही सूरत हाल इलेक्शन के अंदर भी आती है, तो नदीम साहब फिर इलेक्शन क्या, किस मकसद का, क्या क्या इलेक्शन होंगे? फिर माजी के इलेक्शनों की तरह एक और मुतनाज़ इलेक्शन, एक और मशकूक इलेक्शन ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा।